जो दुनिया को देखने का अलग अंदाज रखता है, वही बुलंदियों को छूने का हुनर रखता है। नमस्कार, मैं अनिल अग्रवाल आपके सवाल कार्यक्रम से आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है आईएएस अनिल स्वरूप जी। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में आपका। नमस्कार जी। मैं ये कहूंगा कि आपने इतनी सारी उपलब्धि हासिल की है, आप बहुत महत्वपूर्ण पदों पर भी रहे हैं, तो आप इस सफलता की अपनी कुंजी को क्या मानते हैं, कैसे आपने ये सब हासिल किया, इसको परिभाषित करेंगे थोड़ा सा? सफलता असफलता एक व्यक्तिगत किसी का मत होता है जी। प्रश्न ये है कि क्या जिस जर्नी को आपने अंडरटेक किया है, जिस पथ पे आप चले हैं, क्या आपने उस जर्नी को एंजॉय किया? और चूंकि मैंने इस जर्नी को बहुत मैंने प्रफुल्लित महसूस किया इस पूरी जर्नी के दौरान, जो 38 साल का मेरा सिविल सेवा करियर था, इसलिए मैं इसको अपने हिसाब से सफल मानता हूँ। इसके कई कारण हैं, एक कारण तो बताना बड़ा मुश्किल होगा, कई कारण है कि मैं जिस पथ पे चला, जिस रास्ते पर चला और जो मुझे संतोष इस रास्ते पर चलने से प्राप्त हुआ, वह क्यों प्राप्त हुआ। आरंभ में मुझे कुछ कठिनाइयां आई इस रास्ते पे चलने, पर धीरे धीरे मुझे धरातल की वास्तविकता का बोध होने लगा, ज्ञान होने लगा जी। और मैंने अपने व्यवहार को उसी प्रकार से परिवर्तित करने का प्रयास किया। तो पहला जो मैंने स्टेप लिया वो प्रमुख रूप से था कि मैं हर कदम पे सीखता चला। आज की तारीख में भी मैं सीख रहा हूँ, तो उससे एक जो चाइल्ड लाइक बच्चे की जो खुशी होती है कि कोई नई चीज दिखती है तो प्रसन्न हो जाता है, वो आज मुझ पे भी है। नहीं, मेरा सवाल ये, जो अचीवमेंट्स आपने किए, ये कोई चमत्कार है, एफर्ट्स का कमाल है? ना तो चमत्कार है ना कोई खाली मेरे एफर्ट्स का कमाल है जी। मैं कुछ शायद ऊपर वाले की देन थी कि मुझे ऐसे सहयोगियों का साथ मिला, ऐसे लोगों के साथ किया काम किया कि मुझे सफलता प्राप्त हुई। हाँ, कुछ मैंने भी प्रयास अवश्य किया इस सफलता को प्राप्त करने के लिए, उसमें अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपनी ईमानदारी, अपनी समय पाबंदी, अपना डिसिप्लिन, लोगों को साथ लेके चलना, लोगों को प्रोत्साहित करना, लोगों को सपोर्ट करना, अपने साथियों को सपोर्ट करना, ये सब चीजें उसमें सम्मिलित थी, जिसके फलस्वरूप शायद थोड़ी बहुत जो सफलता मुझे मिली वो मिल सके। अभी आपने कहा जैसे आपने जर्नी को एंजॉय किया, तो आज की युग में इस जर्नी को एंजॉय करना, जो आप इतने टफ पदों पर रहे हैं, वो कैसे संभव है? देखिए, अगर एक बार व्यक्ति निर्धारित कर ले जी कि फल पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है, कर्मण्येव वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् जी जी, एक बार वो समझ ले कि उसका अंतिम रिजल्ट है उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसका अगर नियंत्रण है तो केवल नाउ, यानी कि अभी जो ये पल है इसी पर है जी, तो उसको समझ में आएगा कि अगर हम इस पल को एंजॉय करें आज तो चांसेस है कि उसको सफलता प्राप्त होगी जी। अगर वो इसी बारे में, सफलता के बारे में चिंतित रहेगा तो शायद उतना आसान नहीं होगा रास्ता, वो दुखी होकर रहेगा और दुखी जीव सफलता आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता। आप प्रसन्न रहेंगे तो सफलता आसानी से मिलेगी। अब प्रश्न ये है जी कि आप इस जर्नी को एंजॉय कैसे करें, हर पल को कैसे एंजॉय जी। इसको एंजॉय करने के लिए आवश्यक है समझना, जैसा मैंने पहले कहा जी, कि चूंकि आपके रिजल्ट पर कोई अख्तियार नहीं है इसलिए जो कुछ है आपके सामने उसको एंजॉय। उदाहरण के लिए, अक्सर मैं देखता था लोगों को, वो चिंतित रहते थे कि मेरे पास ये चीज नहीं है, मेरे पास वो चीज नहीं है, देखो उसके पास तो ये सब कुछ है। जहां आप दूसरे को देखकर आप कंपेयर करने लगेंगे तो आपको समस्याएं आने लगेंगी जी। अगर आपको देखना भी है तो आपको उन व्यक्ति की ओर देखना है जिन्होंने इन परिस्थितियों के बावजूद सफलता प्राप्त की जी। उसी तरह हमें हजारों लाखों ऐसे लोगों को तरफ देखना है जो शायद इतने खुशकिस्मत नहीं है जितने हम थे। हमें दो वक्त की रोटी मिलती थी, हमें सोने का समय मिलता था, हमें आराम करने का समय मिलता था, ये अधिकतर लोगों को नहीं मिलता जी। तो अगर हम उन लोगों की तरफ देखेंगे तो हम प्रसन्न रहेंगे कि हम उनसे तो बेहतर हैं जी, और हम आभारी होंगे ऊपर वाले के जिसने हमें इस लायक बनाया कि जिन समस्याओं से अधिकतर लोग जूझ रहे हैं उन समस्याओं से मैं नहीं जूझ रहा हूं। अब अगर आप टाटा बिरला और मुकेश अंबानी और इनको देखेंगे तब तो आप कहेंगे कि भाई वो तो हवाई जहाज उड़ते हैं, यहाँ जाते हैं, बट ऐसे कितने लोग हैं? 1% भी ऐसे लोग नहीं है, 99% से अधिक लोग ऐसे हैं जो अपनी कठिनाइयों से, अपनी परेशानियों से जूझ रहे हैं और जिनका नाम मैंने लिया भी है जी।
अंबानी हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे कोई हो, वो लोग भी अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में नहीं तो अपनी परेशानी से नहीं जूझ रहा है। तो अगर मेरे पास अगर परेशानी है तो कोई अपवाद नहीं है, हर व्यक्ति अपना किसी किसी परेशानी से जूझता है। अब परेशानी तो है ही, समस्या है ही, सफलता उसको मिलती है जो इन परेशानियों से, इन समस्याओं से समझ के, जूझ कर, लड़ कर, इनको इनको जब ओवरकम करता है तो जो सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। आपकी बातों से एक सवाल आता है कि सैद्धांतिक विचारों से क्या व्यवहारिक जिंदगी चल सकती है? अगर व्यवहारिक जीवन नहीं चल पा रहा है सिद्धांत से तो सिद्धांत बेकार है। हमें सिद्धांतों को इसी आधार पर आंकना है कि वो सिद्धांत व्यवहारिक है या नहीं, अदरवाइज वो एक एकेडमिक डिस्कशन बन जाते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। मेरा मत ये रहा है कि हम उन व्यक्तियों की तरफ देखें जिन्होंने सैद्धांतिक जीवन अपनाया और वो जीवन में सफल हुए, फिर ये समझना है कि उस सैद्धांतिक जीवन के अपनाते हुए वो सफल कैसे हुए। सामान्य रूप से हम उदाहरण उन लोगों का देते हैं जिन्होंने सैद्धांतिक जीवन अपनाया और जीवन में सफल नहीं हुए, तो हम कहते हैं देखो भाई उसने सिद्धांत का अनुसरण किया और अंततः उसको नुकसान हुआ, वो दुखी रहा। हम ऐसे लोगों का नाम नहीं लेते। हम नारायण मूर्ति हैं, प्राइवेट सेक्टर के इंफोसिस के फाउंडर हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते? हम रतन टाटा का नाम क्यों नहीं लेते? ये सब सिद्धांत थे, इन्होंने सिद्धांत फॉलो किया और सफल हुए। इसी तरह सिविल सेवकों में भी, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, इनमें भी कई ऐसे लोग रहे हैं जैसे जूलियो रिवेरो का नाम आता है, वो पुलिस में थे, इयान सेशंस साहब का नाम आता है, वो आईएएस में थे, एम एन बुच साहब का नाम आता है, वो आईएएस में थे। ऐसे कई अधिकारी रहे हैं जिन्होंने सिद्धांतों को का अनुसरण किया और वो अपने जीवन में सफल हुए। समस्या वहां आती है कि सामान्य रूप से चर्चा में जिन अधिकारियों ने या व्यक्तियों ने सिद्धांत का फॉलो किया और जो फेल हुए उनका कहते हैं, और ये कहते हैं देखिए साहब सिद्धांत का फॉलो करने की वजह से फेल हो गए। नहीं, आनंद साहब, मैं पूछना चाहूंगा, जैसे सिद्धांत उन्होंने फॉलो किया उसके बाद फेल हुए, तो वो क्या कारण रहा? उसका कारण हर व्यक्ति का जानना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति भी हैं जिन्होंने सिद्धांत को फॉलो किया, क्या उन्होंने सिद्धांत को ठीक फॉलो किया। सामान्य रूप से मैंने एक पुस्तक लिखी है, एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, जो नैतिक दुविधाएं होती हैं सिविल सेवक की, उसमें मैंने इस बात की चर्चा की कि मैंने एक विश्लेषण किया है कि कई ऐसे ईमानदार या सैद्धांतिक व्यक्ति हैं या अधिकारी हैं जो फेल हुए, उनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन, आत्मचिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ के बारे में मैंने किया है, जानकारी की है, कई ऐसे अधिकारी हैं जो ईमानदार रहे हैं, वो उनमें ये गलत धारणा बन जाती है कि उनको छोड़कर बाकी दुनिया बेमान, और वो हर व्यक्ति को बेमान मानने लगते हैं अपने आप को छोड़कर, अपने आप को तो ईमानदार समझते हैं जी। उससे जो उनका व्यवहार है उनके प्रति, उसके वजह से जो कार्रवाई है वो दूषित हो जाती है, तो वो जो काम करना है वो नहीं कर पाते। देखिए, मेरा ये मानना है कि अधिकारी के लिए, पब्लिक सर्वेंट के लिए, सिविल सर्वेंट के लिए ये आवश्यक है कि वो ईमानदार हो, लेकिन साथ साथ ये भी आवश्यक है वो अपना काम निष्पादित करे। कई ऐसे ईमानदार अधिकारी हैं, ना तो वो काम करते हैं ना करने देते हैं, कहते हैं कोई काम करोगे तो बेमानी, मैंने देखा है अधिकारी। तो उन लोगों को, जो लोग जिन्होंने सिद्धांत का फॉलो किया है और जो सफल नहीं हुए हैं, उनको आत्मचिंतन करना चाहिए कि वो एक टीएन सेशन क्यों नहीं बन पाए, वो एक नारायण मूर्ति क्यों नहीं बन पाए, वो एक रतन टाटा क्यों नहीं बन पाए, वो एक एम एन बुच क्यों नहीं बन पाए, वो एक जूलियो रिबेरो क्यों नहीं बन पाए। ये देखना चाहिए कि वो कैसे बन गए, उन्होंने सिद्धांतों को फॉलो किया। मैंने, जैसे मैंने बताया कि मैंने कुछ का विश्लेषण किया है और मैं इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं। जैसे कई अधिकारी हैं तो कहते हैं मेरे 24 ट्रांसफर हो गए, मेरे 50 ट्रांसफर हो गए, तो वो विश्लेषण करते कि ट्रांसफर क्यों हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि वो हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखते हैं, इसमें कुछ गड़बड़। आपका ये कहना है कि अपना ही कर्म देखना चाहिए, सिर्फ दूसरे के कर्म की तरफ अपना अवलोकन नहीं होना चाहिए। ये बात तो आपने बिल्कुल सही की, अभी मैं उसको सोचा था, मैं बाद में इसकी चर्चा करूंगा जी। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि आप दूसरों को थोड़ा बहुत तो प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आप परिवर्तित अगर कर सकते हैं तो अपने आप को केवल, और जब तक आप अपने आप को परिवर्तित नहीं करेंगे तब तक आप दूसरे को परिवर्तित नहीं कर सकते। सामान्य रूप से आदमी क्या होता है, वही उम्र भर यही भूल करता रहा, गाले धूल चेहरे पति आईना मत रहा, किसी न किसी व्यक्ति को दोषारोपित करते रहते हैं अपनी कमियों के लिए। अच्छा, अगर दूसरा व्यक्ति आपकी कमी के लिए जिम्मेदार भी है, उत्तरदायित्व है अगर उसका,
तो भी आपका उसका ज्यादा नहीं कर सकते। आपको ये देखना है कि आप अपना क्या कर सकते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हद तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आपको तो अपनी खुद ही बुलंद करनी है, आप अपनी खुद ही कैसे बुलंद करें, और उसके लिए प्रेरणा आपको उन व्यक्तियों से मिलेगी जिन्होंने इन परिस्थितियों को रहते हुए भी अपनी खुद ही को बुलंद किया है। ये बात समझने वाली है, क्योंकि हम उन लोगों की तरफ नहीं देखते, हम जैसे मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, हम उन चंद लोगों की तरफ देखते हैं जो कि ईमानदार रहे लेकिन अपने जीवन में असफल रहे। हम ईमानदार सफल लोगों की तरफ नहीं देखते। देखिए, मैंने अपनी पुस्तक में इस बात को भी लिखा है कि समस्याएं चाहे ईमानदार हूं तब भी आएंगी और बेईमान हूं तब भी आएंगी। मैं जिस प्रदेश से आता हूं उत्तर प्रदेश से, वहां के दो मुख्य सचिव को जेल हुई। सामान्य रूप से जानते हैं वो बेईमान थे लोग। ठीक ठीक। आज से 20-25 वर्ष पहले कोई सोच नहीं सकता था इनको जेल होगी। तब सब लोग ये कहते थे देखिए बेईमानी का रास्ता, ये चीफ सेक्रेटरी भी बन गए और देखिए बेईमान भी थे लेकिन आ गए जेल। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बेईमान जेल जाता है। मेरा कहना यह है कि बेईमान आदमी भी जेल जाता है और ईमानदार आदमी भी सफल होता है। ये एक चॉइस है प्रत्येक व्यक्ति की, विशेषकर सिविल सर्वेंट की, कि वो अपनी चॉइस करे कि वो ईमानदार रहना चाहे बेईमान रहना चाहे। साथ ही साथ अगर ईमानदार है तो ईमानदारी फुल स्टॉप नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, ऑनेस्टी अलोन इज नॉट इनफ। फाइन, अ सिविल सर्वेंट इज पेस्ड टू परफॉर्म। ऑनेस्ट तो रहना है उसे, उसे परफॉर्म करना है। मेरी पूरी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट का उद्देश्य यही है कि अगर कोई अधिकारी एथिकल जीवन, नैतिक जीवन व्यतीत करता है, नैतिक जीवन, तो अंततः उसको सफलता मिलेगी। और वो सफलता केवल सेवा में रहते हुए नहीं मिलेगी, सेवा के बाद भी मिलेगी जब वो रिटायर हो जाएगा। मैंने इस बात को भी लिखा है कि ट्रू वर्थ ऑफ ए सिविल सर्वेंट गेट्स डिटरमाइंड व्हेन ही इज नॉट इन द पोजीशन ऑफ पावर। ओके, जब वो पावर में तो हर जन उसको सलाह। आपने पुस्तक किस कारण से लिखी? क्या किसी को प्रभावित करने के लिए, अपने विचार दिखाने के लिए? पुस्तक का कारण था जी, पुस्तक का कारण था। मैंने दूसरी पुस्तक एथिकल डिलेमास ऑफ सिविल सर्वेंट तब लिखी जब मैं अक्सर मसूरी अकेडमी जाता था, अधिकारियों से चर्चा करता था। हर सीनियरिटी के अधिकारी होते थे, फेज 1, 2, 3, 4, 5। तो मैंने पाया कि आरंभ में जब कोई पब्लिक सर्वेंट जब ज्वाइन करता है सिविल सेवा, तो बड़ा उसमें एंथुजियाज्म होता है, बड़ा जोश होता है, बहुत कुछ कर गुजरने की मजा होती है। जैसे जैसे वो सीनियर होता जाता है, वो धीरे धीरे सिनिकल हो जाता है। वो आसपास की परिस्थितियों को दोषारोपित करने रहता है अपनी असफलताओं के लिए। और जब मैंने ये पाया तो मैंने ये फिर स्थापित करने का प्रयास किया पुस्तक के माध्यम से कि परिस्थितियां सबके लिए एक सी, लेकिन कुछ अधिकारी अच्छा काम कर ले आते हैं, कुछ कारण अधिकारी ईमानदार रह जाते हैं। अब वो अधिकारी जो पश्चिमोपेश में हैं, जो ये समझ रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो उन अधिकारियों से प्रेरणा क्यों नहीं लेते जो इन परिस्थितियों में ही एक सफल अधिकारी के रूप में उभरे हैं और एक उनका एथिकल कॉन्डक्ट था। दूसरा इसी से जो जुड़ा हुआ ध्येय था इस किताब का, वो ये था कि कई अधिकारी ऐसे हैं जो जिनका एथिकल बिहेवियर था और वो सक्सेसफुल रहे, हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये कहना गलत है कि अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, ये कहना गलत है कि अधिकारी का एथिकल बिहेवियर नहीं होना चाहिए या नहीं हो सकता। दोनों बातें ही गलत है। लेकिन साथ ही साथ ये भी, आज आप मानते हैं कि आप अपने सर्विस के दौरान जो सिद्धांत आप आज बता रहे हैं उसको फॉलो कर पाए? मैं अगर वो नहीं कर रहा होता तो मैं आज बात ही नहीं करता उसके बारे में। जी जी, आपने आरंभ में प्रश्न किया था, पहला प्रश्न था, तभी मैंने ये कहा था जी। वो सिद्धांत को मैं सिद्धांत नहीं मानता जिनको मैं, जिनका मैं अनुसरण नहीं कर सकता। इसकी प्रेरणा अनिल साहब, इसकी प्रेरणा क्या बचपन से रही या ये आईएएस पढ़ने के दौरान आपके अंदर जागृति आई या कब से? कुछ संस्कार तो मेरे पिता के थे जी, वो डिसिप्लिन थे, ऑनेस्ट थे, खुद इंजीनियर थे जी, तो कुछ संस्कार को उन्होंने डाले जी। फिर जब मैं सेवा में आया, मैंने खुद महसूस किया कि सैद्धांतिक जीवन रहने से मेरा जीवन आसान हो जाता है। लोग कहते हैं कठिन हो जाता है, मेरा आसान हो जाता है। और इसलिए क्योंकि आरंभिक कुछ वर्षों के बाद किसी भी नेता या किसी व्यक्ति की हिम्मत नहीं हुई मुझसे कोई गलत काम कहे, करना तो दूर बात, किसी कहा ही नहीं, तो मेरा जीवन आसान हो गया। कोई गलत काम कहते ही नहीं था।
कोई मुझ पर मैंने दबाव महसूस नहीं किया आरंभिक कुछ वर्षों के बाद, मुझे किसी का दबाव नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं लगा कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जो आपके काम को प्रभावित कर रहा है? शुरू में अवश्य लगा, अगर आप मेरी पुस्तक पढ़े तो शुरू के कई दृष्टांत मैंने दिए हैं जहां मुझ पर पॉलिटिकल दबाव आया, लेकिन एक बार मेरी ख्याति या कुख्याति समझ लीजिए बन गई ये गलत काम नहीं करेगा, तो पॉलिटिशियन जो है बड़ा स्मार्ट होता है, वो आपसे गलत काम नहीं कहता। मुझसे किसी पॉलिटिशियन ने कोई गलत काम नहीं कहा शुरू आरंभिक 6-7-8 साल के बाद। शुरू में जरूर समस्या हुई, लोग वो भी नापता है तोलता है अधिकारी को कि कितना गलत कर लेता है, और बड़ा परसेप्टिव होता है पॉलिटिशियन जी, वो आपसे गलत काम नहीं कहेगा अगर वो उसको पता है गलत काम नहीं करता, वो आपको ऐसी जगह रखेगा ही नहीं जहां उसको गलत काम कराना है। अनिल जी, जैसे आपके सिद्धांत रहे तो वो आपने विनम्रता से निभाए या एरोगेंसी से? कभी कभी मैं थोड़ा एरोगेंट हो जाता था आरंभिक तौर पर, तो मैं नाराज भी हो जाता था अगर कोई गलत काम मुझसे कहता था तो मैं नाराज हो जाता। बेस्ट वे क्या है, आप सिद्धांतों को अपनाना चाह रहे हैं तो एरोगेंसी आपको अपनाना पड़ेगा या विनम्रता या बोध? नहीं, एरोगेंस तो अलग है, एरोगेंस बिल्कुल अलग है, एरोगेंस का सिद्धांत से कोई मतलब नहीं। अगर एरोगेंस आप में रही सिद्धांत को अपनाते हुए, फिर वो खाली सिद्धांत रह जाएंगे, व्यवहारिक नहीं बन पाएंगे जी जी, और दूसरा फिर जो आपको करना है जमीन पे नहीं कर पाएंगे, आप सिद्धांत पे ही चढ़े रहेंगे ऊपर जी, सिद्धांत के कूटे पर खड़े रहेंगे, आप काम नहीं कर पाएंगे। व्यवहारिक होना चाहिए, ठीक ठीक ठीक, व्यवहारिक व्यवहारिक होना आवश्यक जी, और मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, व्यवहार और सिद्धांत में आवश्यक रूप से विरोधाभास नहीं है, हो सकता है विरोधाभास, लेकिन ये कहना कि आप सैद्धांतिक और व्यवहारिक नहीं हो सकते गलत बात, आप सिद्धांतिक हो सकते हैं व्यवहारिक भी हो सकते हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि हर सिद्धांत पे आप व्यवहारिक हो, लेकिन आप सामान्य रूप से आप अपने सिद्धांत को व्यवहार में ला सकते हैं और बहुत काम संपादित कर सकते हैं। ये एम एन बुथ साहब का नाम लिया, जूलियो रिबेरो साहब ने पूरे एक्सट्रीमिस्ट से लड़ाई लड़ी पंजाब में, बिना सिद्धांत की लड़ी, सिद्धांत के साथ लड़ी, सिद्धांत से नीचे नहीं उतरे। आप अपनी पुस्तक के माध्यम से किस वर्ग को शिक्षा देना चाहते हैं? मैंने कोई वर्ग विशेष का तो ध्यान भी नहीं रखा, लेकिन हाँ आरंभिक तौर पे जब मैं पुस्तक लिख रहा था उस समय मेरा जो एम था वो सिविल सर्वेंट्स के लिए था, लेकिन जैसा ये पुस्तक जब पब्लिश हुई, जब पब्लिक में आई तो सबने इसको सराहा, किताब को सबको अच्छी लगी, जो सिद्धांत उसमें दर्शाए गए हैं, जो व्यवहारिक सिद्धांत दर्शाए गए हैं, वो ना केवल सिविल सेवकों के लिए उपयोगी है, सामान्य नागरिक के लिए भी उपयोगी है, किसी भी व्यक्ति के लिए। तो उससे प्रेरित होकर अभी आपको और लेखक बनने का इरादा है? देखिए, जब मैं सेवा में था मेरी बहुत ज्यादा डिजायर्स नहीं थी, बहुत ज्यादा मंशाएं नहीं थी, बहुत थोड़ी सीमित मंशा थी मेरी, उन मंशाओं में एक मंशा थी कि मैं एक पुस्तक लिखूं। ठीक है, तो मैंने पहली पुस्तक लिखी नॉट जस्ट ए सिविल सर्वेंट, जब वो लिखी तो इतना मजा आया, फिर मैंने दूसरी लिख डाली एथिकल डिलेमास ऑफ अ सिविल सर्वेंट, फिर तीसरी लिख दी ट्रिलॉजी नो मोर ए सिविल सर्वेंट जो कुछ माह पहले पब्लिश हुई, अब मैं आजकल चौथी पुस्तक पे कार्य कर रहा हूँ, तो ये एक नशा है लिखने का और मुझे मजा आ रहा है इस नशे में। तो सारी पुस्तकें आपकी सुधार बात पर है प्रेरित? ये कहना बहुत ठीक नहीं है, सुधारवाद उसको एक डेफिनेशन देना उचित नहीं है। अब तक की तीनों पुस्तकें तो मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर लिखी है, ठीक है, तीनों पुस्तक, और चौथी भी शायद व्यक्तिगत अनुभव पे होगी। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये मैंने किया और शायद इसको अगर कोई पढ़े तो उसको ये समझ में आएगा कि व्यवहारिक है जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो मेरा कहना उचित नहीं है। कई बार ये हो जाता कि ऐसा करो वैसा करो, कई ज्ञानी पुरुष हैं, मैं तो ज्ञानी पुरुष हूं नहीं, मुझे वो ज्ञान नहीं है, मुझे अनुभव, जो मैंने अनुभव किया अपने जीवन में अपने कार्य में, उस अनुभव को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इस दृष्टिकोण से कि अगर उससे कुछ सिद्धांत निकल के आता है तो शायद पाठक ज्यादा कन्विंस होगा, क्योंकि ये व्यवहारिक सिद्धांत है जो मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, जो भी सिद्धांत उससे निकल के आए हैं वो सिद्धांत केवल सिद्धांत नहीं है, वो व्यवहार से निकल के, यानी वो हुआ वो किया उसके आधार पर सिद्धांत है, प्रैक्टिकल लिखा है उसमें, जो भी कुछ लिखा है प्रैक्टिकल। मैं बार बार इस चीज को कहता हूं, मैं तो प्रैक्टिकल आदमी, मैं ज्ञानी पुरुष हुई नहीं, मैं ज्ञान तो नहीं दे सकता किसी को, हाँ अनुभव दे सकता हूँ। अनिल जी, जैसे आज देश की मौजूदा जो स्थिति है, चाहे अर्थव्यवस्था को ले लें चाहे जातिवाद को ले लें, उसके बारे में आप क्या संतुष्ट हैं या इसमें कोई कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, संतोष असंतोष तो हमेशा रहता है जी,
कोई मुझे स्मरण नहीं आ रहा ऐसे समय कि जब मैं पूरा संतुष्ट हो गया आप सब ठीक है। हमेशा कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। मेरा व्यक्तिगत अप्रोच ये रहा है कि उन कमियों को पहले मानते हुए समझते हुए उसका विश्लेषण करते हुए आप व्यक्तिगत रूप से क्या योगदान दे सकते हैं उस पर ज्यादा बल होना चाहिए, इसके कि खाली क्रिटिसिज्म किया जाए। बहुत मैं भी क्रिटिकल हूँ कई चीजों का, कई सारी चीजें मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है, लेकिन उसका उद्देश्य प्रस्तुत करने का ये है कि उनमें सुधार हो सकता है। बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है देने को कि ये करना चाहिए। जैसे मैं कोल सेक्रेटरी रहा हूँ, कोयला सचिव था, अभी कुछ दिनों पूर्व जब कोयला की समस्या आई तो मैंने जो उसका विश्लेषण किया और जो सुझाव दिए वो मेरे अनुभव के आधार पर थे। बहुत बढ़िया। मैंने नहीं बताया ये करिए आप, मैंने कहा ये हुआ था। मैं जो भी लिखता हूँ वो मैं अभी भी काफी लिखता हूँ, उसमें प्रमुख रूप से कहता हूँ कि ये किया जाना चाहिए क्योंकि ये हो सकता है या ये हुआ है। अगर हुआ है तो फिर हो सकता है, नहीं तो आपके विचारों का अनुमोदन हुआ फिर जो आपने कई कई सारी चीजों में हुआ, कई सारी चीजों में माना, कई सारी चीजों में नहीं माना। ठीक है, आप शिक्षा ये मानने वाले पे जी आप सेक्रेटरी एजुकेशन के भी रहे हैं, तो उसमें आपने कोई बदलाव किए या कुछ करना चाहते थे? मैं सेक्रेटरी एजुकेशन सिर्फ 20 माह रहा स्कूल एजुकेशन। ठीक है, और पूरे अपने करियर में हर पोस्ट पर जब मैं रहा 38 साल के करियर में हर पोस्ट पर मैंने अपने आप को रिडंडेंट बना दिया, यानी कि मैं मेरा व्यक्तिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता, जैसे कोल में मुझे व्यक्तिगत कुछ नहीं करना, सिस्टम्स बना दिए। ठीक है, लेकिन जब मैं एजुकेशन में आया तो मैं दूसरी समस्या से जूझने लगा। एजुकेशन का जो सिस्टम है वो इतना खराब था कि शायद 20 माह उसके लिए कम थे। मैंने अपने पुस्तक में ऐसे लिखा है कि कौन कौन से प्रयास किए गए, उसमें कुछ सफल हुए कुछ असफल हुए, लेकिन शायद वो एक मेरा ऐसा असाइनमेंट था एजुकेशन का जहां उसके अंत में मैंने महसूस किया कि शायद कुछ वर्ष और मिल जाते तो अच्छा रहता। उससे पूर्व कभी किसी भी असाइनमेंट में मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैं मजाक में कहता था कि जब मैं कोल में था तो वहां बड़े माफिया थे। इनफैक्ट जब मेरी कोल में पोस्टिंग हुई तो मैंने अपने मित्र को फोन करके पूछा, भाई ये कोल सेक्टर कैसा है? तो उसने मुझसे कहा, भाई गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी है क्या? तो मैं समझ गया कि कोल सेक्टर कैसा है। फिर जब मेरी पोस्टिंग हुई एजुकेशन में तो मैं ये समझा कि आई एम गोइंग फ्रॉम डार्क डंजन्स ऑफ कोल माइंस टू ब्राइट लाइट्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। लेकिन यहाँ आके मैंने पाया कि जहां कोल में माइनिंग अंडरग्राउंड थी, माफिया ऊपर थे, एजुकेशन में सब माफिया अंडरग्राउंड है, ईटिंग इनटू द एसेंशियल्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इट्स वेरी 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 डिफिकल्ट टू हैंडल देम। मैंने इन माफियाओं का वर्णन अपनी पुस्तकों में किया है। कुछ माफियाओं को मैंने संभालने का प्रयास किया, कुछ में सफल रहा कुछ में असफल रहा। वो सब सफलताएं और असफलताएं मेरी पुस्तकों में लिखा है उनके बारे में। शायद एजुकेशन में और गंभीरता से विचार किए जाने की आवश्यकता। मतलब आपके हिसाब से सबसे ज्यादा अगर हम खामियां कमियां देखें तो किस विभाग में थी या है जिसको आप सुधार करना चाहते थे? खामियां हर जगह हैं, हर जगह अच्छाइयां हैं, कंपेयर करना उचित नहीं है। लेकिन मैंने एजुकेशन जी ये पाया कि एजुकेशन की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है देश के विकास में, वहां के व्यक्तियों के विकास में, बच्चों के विकास में। इसलिए एजुकेशन में मैं समझता हूं सर्वाधिक जोर दिया जाना चाहिए। उसका कारण यह है कि एजुकेशन का जो नुकसान होता है या पुअर एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन का, वो देश को भुगतना पड़ता है। इमीडिएटली तो नहीं भुगतना पड़ता, एक दिन दो दिन एक साल दो साल, बट 5-10 साल में वो बच्चा जब बड़ा होके पूर्ण नागरिक बनता है देश का, और उसकी अगर एजुकेशन सही नहीं हुई है तो देश के लिए वो नुकसान करता है। तो आज भी इतने वर्षों बाद भी अगर हम एजुकेशन को पूर्ण रूप से सफल नहीं मान रहे तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए कई कारण है, ऐसा नहीं है कि सुधार नहीं हुआ, एजुकेशन में काफी सुधार हुआ है, वर्षों वर्षों में काफी सुधार हुआ है और सुधार की आवश्यकता है। इसमें मुझे लगता है जो मेरा, मैं नहीं कहता कि मेरा कहना शायद पूर्णतः सही होगा, इसमें वो पॉलिटिकल विल किसी भी दल में, एक दल को मैं नहीं दोषारोपित कर रहा हूँ, पॉलिटिकल विल की कमी है। उसका कारण बड़ा सिंपल, देखिए किसी अन्य स्टेप को आप लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपको अगले दिन या एक साल दो साल में दिख जाता है। एजुकेशन का रिजल्ट 5-10 साल बाद मिलता है, तब किस राजनीतिक दल को इतना टाइम है कि 10 साल बाद की सोचे? वो तो कल की सोच रहा है, परसों की सोच रहा है, अगले चुनाव की सोच रहा है। उसके लिए तो एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण नहीं। मैं यूपी से आता हूँ, वहां पे एजुकेशन का तो इतना पोलिटिसाइजेशन हो गया है टीचर्स का। इसका मतलब ये नहीं है कि टीचर्स अच्छे नहीं है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन पूरा पॉलिटिकल हो गया है मामला।
वहां टीचर अपने ट्रांसफर पोस्टिंग में लगा रहता है सुबह शाम, तो वो क्या पढ़ाएगा? एक वर्ल्ड बैंक की स्टडी थी, वो कहता था वहां 25% स्कूल टीचर स्कूल जाते ही नहीं है, कैसे स्कूल का सुधार होगा? अब क्योंकि राजनीतिकरण हो गया है और चूंकि राजनीतिक पार्टियां सभी एजुकेशन को वो महत्व नहीं देती, तो देना नहीं चाहिए शायद, एजुकेशन का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाया। तो कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि मूलभूत परिवर्तन के लिए आपको पॉलिटिक्स में भी जाना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स में जाने के लिए कुछ आदमी में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, कुछ उसके ट्रेड्स होनी चाहिए, कुछ एटीट्यूड होना चाहिए। और मैं जब आत्मचिंतन करता हूँ, आत्म अवलोकन करता हूँ, आत्म असेसमेंट करता हूँ, मैं पाता हूँ इस सब में मैं फेल। नहीं, आपसे ज्यादा सक्षम कौन हो सकता है जो सब कुछ समझते हैं? समझ ली, पॉलिटिक्स में आपको पेशेंट होना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में आपको सबकी बात सुननी पड़ेगी, पॉलिटिक्स में आपको कई बार अनस्क्रूपलस होना पड़ेगा, पॉलिटिक्स में आपको सबको सुन के और फिर आप पेशेंटली उस पर आपको निष्कर्ष पे पहुंचना पड़ेगा। मेरे पास वो पेशेंस नहीं है, मेरे पास शायद उस वो बेशर्मी नहीं है जो शायद कुछ पॉलिटिशियंस को होनी चाहिए कि सब जो है। आप ये मानते हैं मतलब सिद्धांतों से पॉलिटिक्स नहीं चल सकती? नहीं, सिद्धांत भी आवश्यक है, लेकिन उसके लिए और बहुत सारी क्वालिटीज चाहिए जो मुझ में नहीं है। और अपने आप को समझना चाहिए आदमी को, जैसे मैं अगर किसी से डिसएग्री करता हूँ या मैं किसी को लाइक नहीं करता, किसी व्यक्ति को जी, उनके मैं उनके साथ बैठकर बहुत लंबी चर्चा नहीं कर सकता। अभी आप देश और समाज के लिए क्या अपना ऐसा योगदान देना चाहेंगे जो अभी आप नहीं दे पा रहे हैं? मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा कोई बड़ा योगदान की बात नहीं करता, मैं छोटी छोटी बहुत जैसे अपनी लेखनी से लिखकर, मैं आजकल जो सिविल सेवा में आने के प्रत्याशी हैं उनको, कई लोगों को मैं सहयोग करता हूँ कैसे वो सिविल सेवक बने, इसी तरह जो वर्तमान में सिविल सेवक हैं उनसे संपर्क स्थापित करते हुए अगर उनको समस्या कोई कठिनाई आ रही है तो उनको थोड़ा बहुत मेंटर कर सकूं, इस तरीके से मैं योगदान दे रहा हूँ। एक हमने मूवमेंट शुरू किया है, उसका नाम है नेक्सस ऑफ गुड। उसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि सामान्य रूप से हम लोग नेगेटिव, हम लोग का डिस्पेंसेशन होता है, हम लोग चूंकि मसाला पसंद है इसलिए हम लोगों का क्रिटिसिज्म नेगेटिव बात ज्यादा करते हैं, जबकि समाज में बहुत अच्छा कार्य भी हो रहा है। इस मूवमेंट का प्रमुख उद्देश्य है, इस फाउंडेशन का प्रमुख उद्देश्य है कि हम उन अच्छे कामों को देखें, उनको समझें, उनको सराहें और उनको फिर रेप्लीकेट करें और स्केल करें। और इस मूवमेंट के माध्यम से बहुत से अच्छे अच्छे काम जिनको रिकग्निशन मिल रहा है, जो स्केल हो रहे हैं, ये अपने कार्यकाल में, सेवा काल में, अंतिम वर्ष में मैंने इसको समझा और सेवा के उपरांत, ऑफिशियल रिटायरमेंट के उपरांत मैंने ये फाउंडेशन स्थापित किया है। सैकड़ों लोग इससे जुड़ गए हैं और जो हमारी पोर्टल है www.nexusofgood.org.in, इसमें सैकड़ों ऐसी स्टोरीज हैं जो कि लोगों को प्रेरित करती हैं कि अच्छा काम हो सकता है क्योंकि अच्छा काम हो रहा है, वो दृष्टांत वहां दिए गए हैं। सामान्य रूप से लोग कहते हैं अच्छा काम इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि अच्छा काम नहीं हो रहा है, हम उसे स्थापित करना चाह रहे हैं कि अच्छा काम हो सकता है क्योंकि अच्छा काम हो रहा है, हम उसे देख नहीं रहे हैं। हमें मसाला पसंद है इसलिए हम नेगेटिव चीजें देखते हैं, हम अगर अपनी दृष्टिकोण को थोड़ा सकारात्मक बनाएं, अच्छी चीजों को देखें तो अच्छी चीजें हो रही हैं और उनसे प्रेरित होकर हम भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, ये उसका उद्देश्य। इस मूवमेंट में आप किस तरह के लोगों को जोड़ रहे हैं? इसमें कोई भी जुड़ सकता है, वर्तमान में इस मूवमेंट में अधिकारी हैं, नेता हैं, कॉमन मैन है, बिजनेसमैन है, सब लोग, एजुकेशनिस्ट हैं, बच्चे हैं, कोई भी इससे जुड़ सकता है। बड़ा सिंपल है, पोर्टल पर जाइए, अपना 2-3 सूचना दीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। इसमें लीड आप, अच्छी लीड आप कर रहे हैं इसे? जी, लीड आप कर रहे हैं इस मूवमेंट को? मैंने इसे फाउंड किया था, मैं उस संस्था का चेयरमैन हूँ, नेक्सस ऑफ गुड फाउंडेशन। जी, तो इसमें और क्या कार्य अभी कर पाए आप इस संस्था के? इसमें हम लोग ने एक पोर्टल बनाया है, उसमें अच्छी स्टोरी डालते हैं, क्वार्टरली न्यूज़लेटर निकलता है, लगभग हर माह एक आजकल वेबिनार होता है, पहले सेमिनार होता था जिसमें अच्छे कार्यों को हम दर्शाते थे। इसके हमारे करीब 10-11 सिटी चैप्टर्स हैं, वो लोग अपने वेबिनार्स करते हैं, अच्छे लोगों को प्रेरित करते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है, हजारों लोग उसके फॉलोअर्स हैं, उसमें वहां पे हम जो अच्छे काम होते हैं उनको ट्वीट करते हैं जिससे लोगों को समझ में आ सके अच्छा कार्य हो रहा है। इस प्रकार के कार्य हम करते हैं, इससे धीरे धीरे ये मूवमेंट बढ़ रहा है। मतलब ग्राउंड लेवल पे भी कुछ किया जा रहा है इसमें? देखिए, हम खुद कुछ नहीं करते, हम जो अच्छा कर रहे हैं उनको प्रेरित करते हैं, अच्छा। हमारा रोड शो करना है, इसमें सब वॉलंटियर्स है, इसमें कोई महकमा नहीं है, कोई ऑफिसर्स नहीं है,
सब वॉलंटियर्स ने। बहुत बढ़िया। आगे आपका और ड्रीम क्या है, क्या अचीव करना है आपको अभी? मेरा कोई बहुत बड़ा ड्रीम नहीं है, बस मैं प्रफुल्लित रहूं, मोमेंट्स को एंजॉय करूं, आपसे चर्चा कर रहा हूं, अच्छा लग रहा है इसे आपसे चर्चा कर रहा हूं, ऐसी लोगों से बातचीत करता है। अब जीवन जितना बताया है वो खुशी खुशी बीत जाए वही बहुत। हमारे दर्शकों के लिए कोई कुछ कहना चाहेंगे, सिविल सर्विसेज वालों के लिए, आम जनता के लिए, पब्लिक के लिए? दर्शकों को मैंने यही कहना चाहूंगा कि आप हर पल को एंजॉय कीजिए, बी हैप्पी, और यदि संभव हो तो नेक्सस को ज्वाइन करें, देखें वहां अच्छे कार्य को, खुद भी अच्छा कार्य करें, अपनी स्टोरीज वहां पे डालें पोर्टल पे और अन्य स्टोरीज को पढ़ें और लोगों को प्रेरित करें कि नेक्सस गुड। मेरा ये मानना है, इफ रास्कल्स एंड रफियंस ऑफ ऑल द वर्ल्ड कैन यूनाइट एंड गिव मेक लाइफ डिफिकल्ट फॉर अस, व्हाई शुड गुड पीपल यूनाइट टू मेक लाइफ गुड फॉर एवरीवन। दैट्स द आईडिया। ठीक ठीक। हमारे चैनल के लिए दो शब्द बोलना चाहेंगे? आपका चैनल को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा, अच्छे अच्छे इंटरव्यूज लोगों तक पहुंचाइए, आप भी नेक्सस गुड का फैलाइए, लोगों को बताइए नेक्सस गुड के बारे में। जी जी। अनिल साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बेशकीमती समय दिया, और मैं आशा करता हूँ आप इस अभियान को पूरे देशव्यापी क्या विश्वव्यापी बनाएं और सफल हो इसमें। जी थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।